और बच्चों कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में और लास्ट क्लास में हमने अपना अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते थे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और जितने भी हमारे क्विक रिविजन होते थे सबको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। बस उतने ही क्वेश्चन को आपको पढ़ना, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया हुआ है, उसके अलावा कहीं से भी बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जितने मैंने प्रश्न कराए हुए, जितने भी मैंने आपको पार्ट दिए हुए, 5 पार्ट में मैंने आपको वीडियो दिए हैं, उन पार्ट 5 को आपको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना बिल्कुल। और आज की इस क्लास में हम अपने अध्याय 10 को स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बच्चों। तो आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए तो बच्चों, जो हमारा मिशन चल रहा था उस मिशन का नाम क्या है? सर ये छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम है सर अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, ये होने वाला है भाग 1। देखिए बच्चों, इस अध्याय में आपको टोटल 3 पार्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वाले और ब्लूप्रिंट दोनों क्लास में बताया हुआ कि इस अध्याय से हमेशा आपको एक ही प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 6 नंबर के लिए होने वाला है। तो 3 पार्ट में मैं आपको इस क्लास को देने वाला हूं, तीनों पार्ट में हम दो दो प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चन होने वाला है, 6 में से बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। इन 6 ही प्रश्नों को पढ़ना, बाकी कहीं से भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 6 प्रश्न और आपका 6 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो 6 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो देखिए बच्चों, इस अध्याय में कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं आता है। जो भी फॉर्मूला आने वाला है 1-2, इसको हमने त्रिकोणमिति अध्याय में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, 2 कोणों के बारे में बताना चाहूंगा जो पूरा यह अध्याय उसी पर टिका हुआ, उसी पर बेस है। सर ये कौन कौन से 2 कोण के बारे में बात करें? बिल्कुल देखो, पहला नंबर बात कर रहा हूं उन्नयन कोण के बारे में। किसके? उन्नयन कोण। सर ये उन्नयन कोण क्या होते हैं? रुको थोड़ा सा बताएंगे, धैर्य रखो। उन्नयन कोण देखो, उन्नयन कोण। फिर हमारा आता है सर अवनमन कोण। देखो अवनमन कोण, अवनमन कोण देखो, अवनमन कोण। चलिए सर ये उन्नयन कोण क्या होते हैं, अवनमन कोण क्या होते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे हम इसका आंसर देंगे कि हमें 6 में से 6 अंक मिले, इन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों को एक साथ समझते। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको बहुत अच्छे से, एक एग्जाम्पल से समझाओ। बिल्कुल देखो, पेन और कॉपी होनी चाहिए, जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं बनाने वाला हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना। बिल्कुल देखो, उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण क्या होते हैं सर, इसको समझना। देखो मान लो कि ये आपका जमीन है, क्या है? आपका जमीन है। बिल्कुल ये आपका जमीन है, हमने मान लिया सर, हम गणित वाले मान लेते हैं कि हमारा जमीन है। अब इस जमीन में आपने अपना ये घर बनवाया हुआ है सर, हमने यहां पर एक घर बनवाया, बिल्कुल ये हमारा घर है। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपका जमीन था, आपने वहां पर अपना एक घर बना दिया, अपना बिल्डिंग खड़े कर दिया। अब ये आपका क्या है, ये आपका है इस घर का सबसे ऊंचा सिरा, शिखर है ये आपका छत है, क्या छत है, ठीक है। अब यह आप जो है आप जमीन पर यहां पर खड़े हो, कहां पर खड़े हो सर, यहां पर खड़े हो। अब आप यहां पर खड़े हो, चलो मैं आपका नाम ले देता हूं, आप यहां पर खड़े हो और आपका जो एक दोस्त है वो आपके घर के छत पर यहां पर बैठा हुआ है या फिर खड़ा हुआ, जैसा भी है, यहां पर खड़ा हुआ या फिर बैठा हुआ। देखो आपका जो दोस्त है वो ऊपर पर है, आपके घर के छत पर खड़ा हुआ है और आप इस जमीन पर खड़े हुए, और आप जो खड़े होकर अपने दोस्त को ऐसे सिर को टांग कर उठाकर देख रहे हो, कैसे ऐसे टांग कर देख रहे हो, अपने दोस्त को कुछ ला रहे हो, अरे रमेश करके। तो देखो यहां पर क्या होता है, देखो आप यहां पर खड़े हुए हो और आपका जो दोस्त है यहां पर है, तो यहां पर क्या होगा, आप जो है अपने दोस्तों को ऐसे देख रहे हो, तो यहां पर एक दृष्टि रेखा बना और ये है हमारा जो जमीन है हमारा ना, ये क्षैतिज रेखा है। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा दोनों के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं सर? उन्नयन कोण कहते हैं। बिल्कुल यहां तक की कहानी सर अच्छे से क्लियर है। तो उन्नयन कोण को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे बच्चों, तो क्या होता है, आप नीचे पर हो और अपने दोस्तों को ऐसे उस सिर को उठाकर देख रहे हो, ऊंचाई वाले हिस्से को देख रहे हो, तो कौन सा कोण बनेगा सर? उन्नयन कोण बनता है। बिल्कुल हमने उन्नयन कोण को समझ लिया। देखो ठीक है सर, अब देखो अब इसी केस को मैं थोड़ा सा उलट रहा हूं। देखो अब देखो
आपका दोस्त कहां पर बैठा हुआ, खड़ा हुआ है, यहां पर आपके घर के बिल्डिंग पर छत पर बैठा हुआ है। अब वहां पर वो खड़े होकर आपको ऐसे सिर को झुका कर दिख रहा है कि मेरा दोस्त कहां है करके, आपको ऐसे सिर को झुका कर आपका दोस्त दिख रहा है। तो उनके द्वारा ये बनाया गया क्या है सर, ये बनाया गया दृष्टि रेखा है और ये उनका क्या है क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा दोनों के द्वारा बनाया गया कोण को अब हम कहेंगे सर अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहते हैं। बिल्कुल सर, ये भी कहानी क्लियर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अब इस बात को समझते हैं। तो उन्नयन कोण में क्या होता है, आप नीचे में होते हो और जिस वस्तु को आप देख रहे हो वो ऊंचे में होता है, ऊंचे शिखर पर होता है, आप सिर को उठाकर ऐसा देखते हो, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब इसी को उल्टा कर देंगे, आप ऊपर में चढ़ चुके हो और ऊपर में चढ़कर आप किसी नीचे रखी गई वस्तु को देख रहे हो, सिर को झुकाकर देख रहे हो, तो कौन सा कोण बनेगा सर, ये बनता है अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण बनता है। बिल्कुल यहां तक की कहानी सर हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। बिल्कुल, अब देखो इसी दोनों टॉपिक से ही संबंधित आपको प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाला है। बिल्कुल, 6 क्वेश्चन जो कराऊंगा ना ये इन दोनों टॉपिक से ही होने वाला है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे जो कि आपका ये रहा पहला नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है, चलो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं, अगर आपने उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ लिया है। यह पूछा कब गया है, छत्तीसगढ़ 2017 सर, एबीसी तीनों सेट में पूछा गया था। 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तीनों सेट में ही पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को तीनों सेट में पूछा जा सकता है। बिल्कुल सर, देखो चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते आ जाओ। बिल्कुल, तो एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, एक लड़का जो है वो किसी बिल्डिंग से 30 जो मीटर की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। देखो मैं प्रश्न को पढ़ते जा रहा हूं तो आपके दिमाग में चित्र बनने चाहिए। देखो एक लड़का है तो आपके दिमाग में एक लड़का का ख्याल आ जाना चाहिए और भवन की ऊंचाई को बोल दिया गया 30 मीटर और वो जो लड़का है उस भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल आपके दिमाग में चित्र बनने चाहिए, ठीक है। चलिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। जब लड़का खड़ा था तो उन्नयन कोण था 30 अंश, फिर उन्होंने चलना स्टार्ट किया, चलने के बाद एक जगह पर पहुंचा तो उन्नयन कोण का मान बढ़ चुका सर, यह 60 अंश हो चुका। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना मीटर चला, यह हमें बताना। क्या बता रहा है कि बताइए वह भवन की ओर कितना मीटर चला है, यह हमें सर निकाल कर बताना। बिल्कुल सर, निकाल देंगे। देखो अब इस सर क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखें कि हमें 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल देखो, अब इसको लिखने का मैं आपको फॉर्मेट सिखाता हूं। देखो सबसे पहले यहां पर डालो हल। देखो अपने कॉपी पर भी लिखते चलना, ठीक है। चलो अब देखो एक बार प्रश्न को और पढ़ेंगे और हर एक चीजों को बारीकी से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखो क्या बोला था, एक लड़का जो है वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन की बात हो रही है, भवन बनेगा कहां, तो पहले हम भवन बनाएंगे। तो भवन बनता कहां बच्चों, भवन बनता है जमीन पर। भाई जमीन पर ही तो बनाओगे ना, हवा में कोई कुछ बिल्डिंग बनाएगा, तो ये हमारा जमीन। अब इस जमीन में हम बड़ा सा खड़ा करेंगे अपना भवन। देखो ये है हमारा भवन, चलो थोड़ा सा इस सर करते भवन को, ये है हमारा भवन प्यारा सा। देखो ये क्या हमारा सर, ये भवन हो चुका। बिल्कुल, अब कोई जो लड़का है वो यहां पर खड़ा, कहां पर खड़ा सर, यहां पर खड़ा हुआ है। देखो इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ, देखो भवन से कुछ दूरी मान के चलो कि यहां पर वो जो लड़का है वो खड़ा हुआ है। कहां पर खड़ा सर, यहां पर खड़ा हुआ है। यहां पर हमें एक चीज और दे दिया गया है कि भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है सर। क्या है, 30 मीटर। तो चिपका दो कि भवन की ऊंचाई सर ये 30 मीटर। बिल्कुल, अब वो लड़का जो है, चलो ये लड़का आप ही हो, आप कहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, आप कहां पर खड़े हो, यहां पर खड़े हो। अब यहां पर देखो आप इस जगह पर खड़े होकर इस भवन के ऊंचाई को देख रहे हो, शिखर को देख रहे हो, तो ये आपकी दृष्टि रेखा हुई सर, ये मेरी दृष्टि रेखा हुई और ये क्षैतिज रेखा। तो दोनों के द्वारा, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा दोनों के द्वारा जो बनाया गया उन्नयन कोण का मान दिया गया है शुरू में कितना था सर, ये था 30 अंश। तो यहां पर चिपका देंगे सर ये 30 अंश, ठीक है। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर। उसके बाद देखो फिर लड़का क्या करता है, चलो सपोज कि लड़का जो है ए पर खड़ा था, बिंदु ए पर खड़ा था, ए से चलना स्टार्ट करता है और वो पहुंच चुका है कहां पर, बी। यहां पर चलो ये भवन की ऊंचाई को भी हम लेते हैं बीसी, ये भवन की ऊंचाई हो चुका बीसी। अब लड़का जो ए पर खड़ा था चलना स्टार्ट किया, पहुंच चुका डी पर, कहां पर पहुंच चुका, डी पर पहुंच चुका। जब डी पर पहुंच जाता है तो उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण का मान बढ़कर सर ये हो जाता है 60 अंश। क्या हो गया सर, ये हो चुका 60 अंश। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर। बिल्कुल
शुरू में 9 करोड़ था 30 अंश और अभी कितना बन गया सर 60 अंश बन चुका, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। हमें निकालना क्या है बताइए कि वह भवन की ओर कितना कितना मीटर चला है, मतलब कि देखो बच्चों हमें निकालना क्या है, इस बात को नोटिस करना। देखो पहला जो लड़का था वो ए पर था, अब चलकर वो कहां पर पहुंच चुका सर, ये डी पर पहुंच चुका है, तो हमें ए से लेकर डी तक की दूरी को निकालना है, ए से लेकर डी तक की दूरी को निकालना है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है कि हमें सर ए से लेकर डी तक की दूरी को निकालना है। देखो अब यहां पर इस बात को नोटिस करना, यहां पर ना आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, दो त्रिभुज दिख रहे, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो त्रिभुज की बात हो रही है तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, देखो यहां पर ये जो आपको जमीन दिख रहा है इसी के लंबवत यहां पर एक भवन बना हुआ है बीसी, तो लंबवत बना मतलब कि ये कौन सा, यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, अब 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा ये तो हमारा सर कहलाता है कर्ण, क्या कहलाता सर, ये हमारा कहलाता सर कर्ण। अब यहां पर कोण बना हुआ 30 अंश, तो 30 अंश के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब, क्या लंब, यानी कि जो ये भवन की ऊंचाई है बीसी ये क्या कहलाएगा सर, उस त्रिभुज का कहलाएगा लंब, क्या कहलाएगा सर, लंब कहलाएगा, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर। देखो अब आपको जो ये दिख रहा है ना एबी, ये एबी जो जमीन है इसको हम कहते हैं आधार, क्या कहेंगे बच्चों, आधार कहेंगे। तो जो आपको त्रिभुज दिख रहा है एबीसी वो कौन सा त्रिभुज होगा सर, ये होगा समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज होगा। तो आपको दो समकोण त्रिभुज दिखने वाले हैं, ये पहला नंबर का एबीसी और दूसरे नंबर का ये डीबीसी, दो त्रिभुज दिखने वाले हैं, दोनों त्रिभुजों का हम उपयोग करेंगे और हम ये एडी निकालेंगे, किसको निकालेंगे सर, एडी का मान निकालेंगे, बिल्कुल। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अब देखो चलो आ जाओ, ये चित्र बन गया, मतलब कि आपका 50% काम हो चुका, 50% काम आपको करना है कैलकुलेशन में, बिल्कुल आ जाओ देख लो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए मान लेंगे, माना माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई थोड़ी मानेंगे, भवन की ऊंचाई तो दिया गया ना, भवन की ऊंचाई को तो दिया गया है, ठीक है ठीक है, दिया भवन की ऊंचाई ऐसा लिखेंगे, दिया है भवन की ऊंचाई, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है, और भवन की ऊंचाई को हमने क्या लिया बच्चों, हमने लिया हुआ बीसी, क्या लिया है बीसी, तो भवन की ऊंचाई बीसी बराबर सर ये हो चुका 30 मीटर, क्या हो चुका बच्चों 30 मीटर हो चुका, बिल्कुल ये नोट डाउन कर लेना है, भवन की ऊंचाई क्या सर बीसी बराबर 30 मीटर है, बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। देखो अब हमें दो त्रिभुज दिख रहे थे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज पर, यानी कि त्रिभुज एबीसी पर, मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी पर, तो हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। अब देखो इतना ये लिखते ही आपको 2 सेकंड के रुकना और सोचना, देखो हम यहां पर सर समकोण त्रिभुज एबीसी में करेंगे क्या, देखो तो बच्चों मैंने आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात बताए हुए थे, 6 त्रिकोणमिति अनुपात को लिखने का ट्रिक क्या होता है सर, ये होता है लाल बटा कका, क्या होता है सर, लाल बटा कका होता है। देखो अब यहां पर पहले आपको चित्र को देख रहे हैं और ये सोचना है कि सर हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ये एडी, एडी का मान निकालना है, और त्रिभुज में बात कर रहा हूं एबीसी पर, जब हम त्रिभुज एबीसी पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए से लेकर बी, यानी कि टोटल डिस्टेंस को हम निकालने वाले हैं, टोटल डिस्टेंस मतलब कि जहां पर लड़का खड़ा था और इस बिल्डिंग के पाद बिंदु, यहां पर देखो ये पाद बिंदु, तो लड़का पहले जहां पर खड़ा था और इस बिल्डिंग के पाद बिंदु की टोटल दूरी को हम ज्ञात करने वाले हैं त्रिभुज ए बी की, एबीसी सहायता से, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। तो हमें AB का मान निकालना जबकि लंब का मान दिया हुआ है, और ये है हमारा 6 त्रिकोणमिति अनुपात, इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात में से हम किसका उपयोग करेंगे कि मुझे ये AB का मान मिल जाएगा, तो अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। देखो हमें यहां पर एक ऐसा अनुपात ढूंढना है जहां पर ये लंब भी दिया गया हो और ये आधार भी दिया गया हो, तो ऐसा अनुपात कौन बन सकता है, चलो अब इसके बारे में हम सोचते हैं। तो पहला अनुपात जो कि साइन का है, दूसरा कॉस का है, और तीसरा किसका रहता है, टैन का रहता है सर, बिल्कुल। तो पहला अनुपात देखते हैं साइन के लिए, जिस पर लंब और कर्ण दिया गया, लंब तो ठीक है लेकिन मुझे कर्ण का मान नहीं निकालना, यानी कि मैं पहले वाले को तो काम पर नहीं लेने वाला, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर सर। दूसरे में आते हैं वो क्या दिया है, आधार बटा कर्ण दिया गया है, तो दूसरे में देखो आधार तो ये दिया गया सर, यहां तक अच्छे से कहानी क्लियर है, फिर कर्ण का मान दिया गया है, जबकि मुझे कर्ण की ओर काम तो करना ही नहीं है, तो मैं दूसरा नंबर के अनुपात को भी नहीं लेने वाला, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं जो कि टैन का है, टैन में क्या है, लंब बटा आधार है, ये लंब है और ये आधार है, और यही तो मुझे चाहिए ना, मुझे एक ऐसा अनुपात चाहिए था जिस पर ये लंब भी हो और ये आधार भी हो, यानी कि मैं तीसरे वाले अनुपात का उपयोग करने वाला हूं, टैन थीटा इज इक्वल टू
यह क्या होता है सर, लंब बटा आधार होता है, इसका हम यूज करने वाले, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर का। इसी जगह अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कौन सा अनुपात लें, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया कि कैसे इसको निकालते हैं। बिल्कुल देखो, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा, तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, तो पहले उन्नयन कोण था 30 अंश, तो 30 अंश चिपकाएंगे बराबर। देखो tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कमान, देखो लंब कमान क्या है सर, बीसी, तो बीसी की जगह मैं सीधा सीधा रख सकता हूं 30 मीटर, क्योंकि ये भवन की ऊंचाई क्या है 30 मीटर है, हमने बीसी की जगह रख दिया सर 30 मीटर बटे में। देखो फिर बटे में क्या है, लंब बटा आधार, आधार का मान क्या है, तो आधार क्या हो जाएगा, हम बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं एबीसी में, तो ए से लेकर बी, तो ए बी आ जाएगा, ये क्या आ चुका सर, ये ए बी आ चुका, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर का। अब आपको tan 30 अंश का मान मालूम होना चाहिए सर, tan 30 अंश का मान तो होता है क्या होता है सर, ये होता है 1/3 होता है, बिल्कुल ये होता है सर बराबर बराबर। देखो फिर क्या दिया है, 30 दिया, 30 को चिपकाओ, नीचे में क्या दिया सर, ये ए बी दिया, ए बी को भी मैंने लिख दिया यहां पर। देखो ए बी का गुणा करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, फिर 30 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ तो ये हो जाएगा 30 का वर्गमूल 30, और ये हो चुका गुणा में वर्गमूल 3, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल। यानी कि हमें यह पता चल चुका है कि जो लड़का यहां पर खड़ा हुआ था और इस बिल्डिंग के पाद बिंदु से, इस बिल्डिंग के पाद बिंदु से टोटल दूरी हमें पता चल चुकी है सर, ये है 30 वर्गमूल 3। हमें निकालना है एडी का मान, किसका मान, एडी का मान निकालना, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज पर, कौन सा त्रिभुज, तो DBC में, जब हम DBC में बात करेंगे तो हमें ये DB का मान मिल जाएगा, किसका मान मिल जाएगा सर, DB का मान मिल जाएगा, तो टोटल दूरी में हम ये DB के मान को घटा देंगे तो मुझे A से लेकर D तक की दूरी पता चल जाएगी, और यही हमें निकालना था। तो हम बात करेंगे अब कौन से त्रिभुज पर, त्रिभुज DBC में, बिल्कुल देखो आ जाओ। देखो तो अब यहां पर क्या होगा, देखो तो हम बात करने वाले हैं त्रिभुज DBC में। देखो वापस से वही बात, हमें यहां पर ये DB का मान निकालना है, यानी कि आधार का मान निकालना है, और लंब हमें दिया गया है, तो हमें एक ऐसा अनुपात ढूंढना है जहां पर लंब और ये आधार दोनों चीज दिया गया हो, तो ऐसा अनुपात कौन सा बनता है सर, ये बनता है लंब बटा आधार, यानी कि tan का बनता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर, तो थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, अब की बात देखो 30 अंश नहीं लिखना है, बड़े वाले त्रिभुज में बात किए थे तो पहले 30 अंश था, अब जो लड़का जो है वो चलकर यहां पर पहुंच चुका है, तो उन्नयन को जो है वो 60 अंश हो चुका है, तो थीटा की जगह हम चिपकाएंगे 60 अंश, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है बराबर। हाँ, अब देखो क्या होगा, तो अब देखो यहां पर क्या था, लंब बटा आधार, तो लंब की जगह क्या रखेंगे सर, ये बीसी, और बीसी का मान क्या है सर, ये 30 मीटर है, 30 मीटर मैंने चिपकाया बटा, फिर आधार, अब ये हमारा होगा आधार, ए बी कोई आधार नहीं बोलेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज के बारे में, तो ये अब हमारा होगा आधार, यानी कि ये बी डी हो जाएगा सर, ये क्या हो चुका, बी डी हो चुका। चलो इसको हल करते हैं, तो tan 60 अंश का मान होता सर ये वर्गमूल 3 बराबर 30, फिर ये हो जाएगा बी डी, बी डी हो चुका बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, बी डी को यहां लाएंगे, गुणा में करेंगे, बी डी आ चुका यहां पर 30। अब देखो वर्गमूल 3 जो है वो गुणा में है, वो नीचे में आ जाएगा, ये नीचे में आ चुका है, इसको हमने ला ले सर नीचे में, 30 बटा ये हो चुका वर्गमूल 3 बिल्कुल। अब देखो जब भी आपको ये वर्गमूल 3 दिख चुका, आपको हर में वर्गमूल 3 दिख चुका, यानी कि हमें हर का करना पड़ेगा परिमेयीकरण, बिल्कुल हर का क्या करेंगे सर, परिमेयीकरण करने वाले हैं। तो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले इसी को उतार लो सर, हमने अच्छे से उतार लिया। अब देखो हर का परिमेयीकरण करना मतलब कि पूरा पूरा आपको ध्यान देना हर पर, यहां पर जो वर्गमूल 3 लिखा हुआ ना उसको एक बार अंश में लिख दो और एक बार लिख दो हर पर, दोनों बात क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब देखो आगे इस साइड इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं, चलो आ जाओ। देखो तो बीडी बराबर, तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, देखो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, फिर 30 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों जो भिन्न है वो गुणा में है, तो ऊपर का ऊपर के साथ होगा गुणा, तो 30 वर्गमूल 3 आ चुका, बटे में क्या आ जाएगा सर, तो वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, तो ये बदल जाता है 3 में, किस में बदल गया, 3 बदल गया। तो देखो हम दोनों को काट सकते हैं क्या, 3 × 3 और ये चला जाएगा 10 बार में 3 नाम होता है 30, तो बीडी बराबर मैं लिख सकता हूं 10 वर्गमूल 3, बीडी बराबर सर ये निकल चुका 10 वर्गमूल 3, ये आएगा मीटर में, क्यों, क्योंकि सभी जो मान दिया हुआ था वो मीटर में दिया था, तो ये बीडी भी क्या है सर, मीटर में आ चुका। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है।
हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए से लेकर डी तक की दूरी निकालना है। टोटल दूरी हमें पता है और ये डीबी भी पता है, तो हम टोटल दूरी में ये डीबी को घटा देंगे तो ए से लेकर डी तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो मैं क्या करने वाला, देखो अतः लड़के के द्वारा, अब लिखेंगे इस बात को, देखो आ जाओ, थोड़ा सा लंबा जा सकता है लेकिन आपको लेना है 6 में से 6 अंक, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा ना, और कुछ भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अतः लड़के के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर, देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, बराबर तो टोटल दूरी में हम घटा देंगे ये बी से लेकर डी तक की दूरी को, तो टोटल दूरी ये हमारा ए बी, ये हो जाएगा ए बी, ए बी में हम घटा देंगे ये बी डी को, घटा दिया हमने बराबर, ए बी का मान हमने निकाला हुआ, कहाँ गया ये 30 वर्गमूल 3 है, फिर माइनस करेंगे बी डी का मान सर ये है 10 वर्गमूल 3 मीटर है, तो दूरी बराबर देखो दूरी, तो भवन की ओर चली गई दूरी क्या है, ए से लेकर डी है, तो यहां पर मैं एडी लिख देता हूं, ये हो जाएगा एडी बराबर 30 वर्गमूल 3 में हम 10 वर्गमूल 3 को घटा देंगे तो सर हमें ये मिल जाएगा 20 वर्गमूल 3 मीटर मिल चुका, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये क्या है सर हमारा फाइनल आंसर हो चुका, बस इतना ही आपको काम करना है। अतः लड़के के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी कितनी है 20 वर्गमूल 3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, इस लाइन को आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा आपको लिखना पड़ेगा, मैंने क्या बोला कि अतः लड़के के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी कितनी है सर, यह है 20 वर्गमूल 3 मीटर, यह हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, जो कि आपको 6 में से 6 अंक दिलाने वाले। बिल्कुल देखो इस तरह से आपको चित्र बना के पूरा सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप को फॉलो करके लिखोगे ना तो पूरा में से पूरा अंक मिलने वाला, डेढ़ पेज 5 मिनट डेढ़ पेज और आपका 6 नंबर पक्के होने वाला, बस इतना ही काम करना है। देखो चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी तरह से डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 2, आओ अब इसको पढ़ते हैं। देखो चलो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आना पसंद करेंगे। क्या बोला गया है, किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार है मतलब कि एक भवन है जिसका धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण का मान हमें दे दिया गया सर 30 अंश, बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर क्या बोला है, यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर कोई लड़का जो रहा होगा वो मीनार की ओर, अभी जो क्वेश्चन बना था ना उसी के तरह से है, उसी के सेम टू सेम बनने वाला है, तो लड़का जो है वो मीनार की दिशा में मतलब कि मीनार जिस दिशा में उसी की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण बढ़ जाता है 45 अंश जाता है, 30 से बढ़कर क्या हो चुका सर 45 अंश हो चुका, तो हमें मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। बिल्कुल अब क्या पूछ लिया गया है, अब पूछ लिया गया मीनार की ऊंचाई, तो अभी जब मैंने क्वेश्चन बनाया था ना उसी के तरह से होने वाला है, हमें यहां पर ये मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना, जबकि लड़के के द्वारा चली गई दूरी को हमें दे दिया गया है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आ जाओ बिल्कुल देख लो, आ जाओ अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आ जाओ देख लो। सबसे पहले यहां पर लिखो हल, देखो हल लिखा मैंने, अब हम क्या करेंगे प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे और चित्र बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल चित्र बनाते हुए चलेंगे, देखो चित्र कैसे बनाएंगे आ जाओ। तो यहां पर बात हुई थी मीनार की सर, मीनार की, तो मीनार की बात हुई थी तो मीनार बनाएंगे पहले, तो मीनार बनाने के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा जमीन, यहां पर मैंने बड़ा सा लिया जमीन, अब जमीन ले लिया, अब इस जमीन पर हम बनाएंगे अपने बड़े से मीनार को, ये देखो ये है हमारा मीनार, चलो ये क्या हमारा मीनार है। देखो अब कोई जो लड़का है, मान लेते हैं कि आप ही हो, आप यहां पर क्या हो खड़े हो, अब यहां से खड़े होकर आप देख रहे हो किसको, इस मीनार की ऊंचाई को देख रहे हो, सबसे ऊंचे शिखर को देख रहे हो। देखो तो आपके द्वारा दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा दोनों के द्वारा बनाया गया जो उन्नयन कोण का मान है वो हमें दिया गया सर, ये पहले 30 अंश है, बिल्कुल ये 30 अंश है। चलो आप कहां पर खड़े थे, ए पर खड़े थे, और इस मीनार की जो ऊंचाई, चलो हमने इसको मान लिया बीसी बराबर हमने मान लिया एच मीटर, हमें एच का मान निकालना, ये तो हमें पता चल चुका, ठीक है। अब जो लड़का है वो मीनार की दिशा में 20 मीटर चलता है, लड़का पहले कहां पर था सर, ये था ए पर, कहां पर था, ए पर था, ए से चलना स्टार्ट किया, डी पर पहुंच चुका, जब यहां पर पहुंच चुका डी पर पहुंच चुका, कितना चला है 20 मीटर चला है, तो 20 मीटर चलने के बाद उसके द्वारा बनाया गया जो उन्नयन कोण
कोण है, उन्नयन कोण का मान बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा सर 45 अंश। बिल्कुल ये 45 अंश हो चुका, हमारा चित्र जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने इसको सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करने वाला। उससे पहले देखो ये 30 अंश का कोण बना है और इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे सर, ये हो जाएगा लंब, यानी कि जो यहां पर मीनार की ऊंचाई है BC ये क्या कहलाएगा, हमारा लंब कहलाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को सर हम कहते हैं कर्ण, यानी कि ये तो हमारा हो जाएगा कर्ण और ये जो जमीन है ये हमारा हो जाएगा सर आधार। क्या हो चुका सर, ये हो चुका आधार। बिल्कुल अब यहां पर देखो ए से लेकर डी तक की हमें दूरी पता है, ये सर 20 मीटर है, हमें निकालना है ये बीसी का मान निकालना है, तो मुझे टोटल दूरी यानी कि ए से लेकर बी तक की दूरी पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे मात्र सर ए से लेकर डी तक की दूरी पता है, मुझे ए से लेकर बी तक की दूरी निकालना है तो कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं चलो कि बी से लेकर डी तक की दूरी क्या है सर, ये 100 मीटर है। क्या है, 100 मीटर है, तो ए से लेकर बी तक की दूरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 20 धन 100 मीटर हो जाएगी। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। चलो ये हमारा चित्र पूरा हो चुका, आपका 50% काम हो चुका, बस 50% आपको अब कैलकुलेशन करना। बिल्कुल आ जाओ देख लो, देखो तो यहां पर हमने माना हुआ कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या दिया हुआ है, माना मीनार की जो ऊंचाई है h बराबर, इसी को तो निकालना ना, h मीटर है बराबर h मीटर है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है, इसको हमने मान लिया। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर। एडी का मान दिया गया है, एडी का मान दिया गया, एडी बराबर हमें दिया गया 20 मीटर सर, बिल्कुल 20 मीटर दिया गया था, और हमने यहां पर बीडी को मान लिया है, बीडी बराबर 100 मीटर, 100 मीटर माना, बीडी बराबर हमने क्या मान लिया सर, बीडी बराबर हमने 100 मीटर मान लिया। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। वापस से वही कहानी मैं दोहराऊंगा, यहां पर हमें दो त्रिभुज दिखने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज पर, किस पर बच्चों, बड़े वाले त्रिभुज पर, तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा बन रहा है सर, ये बन रहा है ABC, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज पर। आ जाओ देख लो, देख लो इधर आओ, देखो देखो बोर्ड को बने दुफागो माटा, चलो आ जाओ अब देखो आगे की कहानी था। देखो तो हम बात करने वाले हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज पर, त्रिभुज ABC में देखो, तो यहां पर मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज ABC में देखो ABC में, अब यहां पर आते ही आपको थोड़ी देर रुकना और सोचना। देखो हमारा जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो ये होता है लाल बटा कका सर, क्या होता है लाल बटा कका, बिल्कुल ये होता है। देखो हमें निकालना है ये बीसी का मान निकालना है, हमें ये मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है, यानी कि लंब, ऐसा अनुपात ढूंढना है जिसमें लंब हो और ये आधार हो, लंब और आधार हो ऐसा अनुपात कौन होता है सर, ये होता है टेन का होता है, तो तीसरे वाले मतलब कि लंब बटा आधार, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। समझ में आ गया कि हम इन दोनों को क्यों काम पर नहीं ले सकते, इसको ही काम क्यों काम पर लिया, क्योंकि हमें एक ऐसा अनुपात ढूंढना है जहां पर यह लंब भी हो और आधार भी हो, तो केवल एक अनुपात आया लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा की जगह सबसे पहले हम क्या रखेंगे, तो पहले बनाया गया उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan 30 अंश, बिल्कुल tan 30 अंश बराबर, देखो बराबर क्या होता सर, ये होता लंब बटा आधार, लंब का मान क्या है, लंब यानी कि BC, और BC को हमने क्या लिया हुआ सर, h मीटर, तो डायरेक्टली मैंने यहां पर h लिखना पसंद किया। फिर यहां पर क्या है सर, आधार, अब आधार क्या रखेंगे, देखो तो A से लेकर B ये टोटल डिस्टेंस है ना, वही आपका क्या आधार है, तो 20 धन 100, ये हो जाएगा बच्चों 20 धन 100। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है क्या सर, अच्छे से क्लियर है। अब देखो तो tan 30 अंश का मान चिपकाना, चिपका दो, ये होता है 1/√3, क्या होता सर, ये होता है 1/√3 बराबर, ये हो जाएगा h बटे में आ जाएगा 20 धन 100 आ चुका सर, बिल्कुल यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर। अब देखो 20 धन 100 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 20 धन 100, यही आ गया ना, 20 धन 100 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो हमें 20 धन 100 से ही मिलने वाला है। फिर h का गुणा करेंगे √3 के साथ, तो इसको कैसे लिखूंगा, √3, फिर आ चुका ये h, क्या आ चुका सर, ये h आ चुका, बिल्कुल यहां तक की भी कहानी क्लियर है। देखो हम यहां से h का मान निकालते हैं, तो मैंने h को अपनी जगह पर रखा, h के साथ जो √3 गुणा है उसको भगाओ, कहां जाएगा, गुणा वाला भाग कर जाएगा भाग में, भाग कर कहां जाएगा, भाग में जाएगा, ये आ चुका भाग पर, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर है। अब देखो
अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जब भी आपको हर में दिख जाएगा वर्गमूल तीन या फिर कोई भी वर्गमूल दिख जाएगा उसका मतलब है कि हमें हर का परिमेयीकरण करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हर का कर रहे हैं परिमेयीकरण, बिल्कुल हर का कर दो परिमेयीकरण। तो ये हो जाएगा वर्गमूल तीन गुणा में, एक बार हम हर में लिख देंगे और अंश में, दोनों में चिपका देंगे इसको वर्गमूल तीन को। तो देखो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सर बीस धन एक सौ हुआ और साथ में ये वर्गमूल तीन भी था, मैंने उसको उतार लिया। अब भी मैंने इसके बारे में बताया था कि वर्गमूल तीन का गुणा करेंगे वर्गमूल तीन के साथ, तो सर ये हमें देता है तीन। क्या दिया सर, ये हमें दे दिया तीन, बिल्कुल सर। अब देखिए बच्चों हमें एच का मान मिल चुका है, जब हमने बड़े वाले समकोण त्रिभुज पर बात की है, समकोण त्रिभुज ए बी सी पर, तो हमें एच का मान मिल चुका है। अब हम बात करेंगे छोटे वाले समकोण त्रिभुज पर, यानी कि मैं बात करूंगा समकोण त्रिभुज डी बी सी में, बिल्कुल आ जाओ। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज डी बी सी में, तो डीबीसी में देखो अब कौन से अनुपात को लेंगे, हमें निकालना है एच का मान, तो हमें एक ऐसा अनुपात ढूंढना है जहां पर ये लंब हो और ये आधार हो। तो लंब और आधार कौन से अनुपात में आता है सर, ये आता है लंब बटा आधार यानी कि टेन के अनुपात में आता है। साइन और कॉस के में क्यों आता है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में क्या होता है कर्ण, और हमें कर्ण को काम में नाम काम पे नहीं लेना है, हमें किसको काम पर लेना है, लंब और आधार को। तो हम बात करेंगे टेन थीटा, थीटा की जगह सर हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे 45 अंश, 30 को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि हम छोटे वाले त्रिभुज पर बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सर tan 45 अंश बराबर, फिर क्या था, लंब बटा आधार, लंब का मान देखो ये पूरी भवन की ऊंचाई, लंब ये हो जाएगा एज, बटे में क्या आ जाएगा देखो, तो बटे में आधार, आधार क्या आएगा, तो आधार यहां पर देखो बड़े वाले जब हम त्रिभुज पर बात किए थे तो आधार ये पूरा डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस को लिए थे ए से लेकर बी, अब हम बात कर रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज पर, तो यहां पर आधार क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बीडी, और बीडी को हमने यहां पर लिया होगा 100 मीटर, तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिखना पसंद करूंगा 100 मीटर, बिल्कुल सर यहां तक कहा निकले सर 10 45 अंश का मान तो एक होता है ना, बिल्कुल होता है चिपका यहां पर, ये हो जाएगा एक बराबर, फिर हो जाएगा एच बटा एक सर, एक के नीचे में कुछ नहीं मतलब कि एक रहता है, एक का गुणा करेंगे एच के साथ, तो एच बराबर देखो यहां पर एक्स का गुणा होगा एक के साथ, तो ये हो जाएगा एक सर। चलो इसको देते हैं समीकरण नंबर दो और इसको देते हैं समीकरण नंबर एक, बिल्कुल समीकरण में एक में भी एच का मान है और समीकरण दो में भी एच का मान है, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो मैं अब काम करने जा रहा हूं समीकरण एक और दो का, तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से हमें क्या मिलने वाला है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो यहां पर क्या दिया हुआ था, तो एज बराबर, तो दोनों पक्ष बराबर है, तो हम यहां पर बराबर वाले पक्षों को लिखेंगे, ये हो जाएगा 20 धन 100, फिर क्या था सर, ये था वर्गमूल तीन, फिर नीचे में क्या था, नीचे में था तीन बराबर, फिर इधर क्या था एच का मान क्या है एक सौ, तो यहां पर लिखा जाएगा सर एक्स। अब देखो यहां से हमें एक सौ का मान मिलने वाला है और एक सौ और एच दोनों क्या है बराबर है, जब एक सौ का मान मिल जाएगा तो एच का मान मिल जाएगा, और एच क्या है भवन की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, और हमें मीनार की ही ऊंचाई तो ज्ञात करना ना, तो एक सौ का मान ज्ञात कर लिए तो हमें मीनार की ऊंचाई सर पता चल जाएगी, बिल्कुल। देखो तो हम यहां पर अब कैसे इसको ज्ञात करेंगे, देखो कैसे निकाल सकते हैं अब इस बारे में हम सोचते हैं, चलो आज आप बिल्कुल कुछ नहीं है हल करेंगे। तो वर्गमूल तीन का गुणा करूंगा मैं 20 के साथ, तो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल तीन हो चुका प्लस, तो प्लस यहां पर क्या करेंगे सर, तो वर्गमूल तीन का मैं गुणा करने वाला हूं 100 के साथ, तो ये हो जाएगा वर्गमूल तीन, और ये साथ में लिखा चुका सर 100, क्या लिखा चुका सर 100 लिखा चुका, 100 को हम पहले लिखना पसंद करेंगे, ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा वर्गमूल तीन, फिर तीन का गुणा करूंगा मैं 100 के साथ, तो ये हो जाएगा सर 300, बिल्कुल सर 300 हो चुका, चलो आ जाओ। तो यहां पर 20 वर्गमूल 3 को मैंने एज इट इज लिखा, फिर 3x को भी मैंने उतार दिया, इसको हम कर देंगे पक्षांतर, तो ये अभी धन में था तो उधर जाकर ये सर बदल जाएगा ऋण में, बिल्कुल बदल गया। देखो तो अब यहां पर क्या होगा, हमें एक सौ का मान निकालना ना, हमें एक सौ का मान निकालना, पूरा फोकस हमारा एक सौ पर रहेगा। तो सर मुझे यहां पर एक सौ दिख रहा है, यहां पर भी मुझे एक सौ दिख रहा है, दोनों जगह से एक सौ को कॉमन निकालूंगा सर, बिल्कुल निकाल लो। देखो हम तीन को लिख सकते हैं वर्गमूल तीन गुणा वर्गमूल तीन, तो यहां पर वर्गमूल तीन आ जाएगा, यहां पर भी वर्गमूल तीन आ जाएगा, दोनों जगह से मैं वर्गमूल तीन को निकालने वाला हूं कॉमन, बिल्कुल निकाल लिया सर। तीन को हमने लिखा था वर्गमूल तीन गुना वर्गमूल तीन, एक वर्गमूल तीन को हमने कॉमन निकाल लिया, अभी भी एक वर्गमूल तीन बचा हुआ है, बिल्कुल सर बचा हुआ, हमने एक सौ को भी कॉमन निकाल लिया यहां पर और वर्गमूल तीन को भी कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचेगा जीरो, कोई नहीं बोलेगा, कॉमन निकालते हैं तो सर एक बचता, बिल्कुल यहां पर बच चुका ऋण का एक, बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कुछ नहीं करेंगे हल करेंगे, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो आ जाओ इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 बराबर, 20 वर्गमूल 3 बराबर, देखो
सबसे पहले यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसके साथ जो गुड़े में है, इसके साथ जो गुड़े में, इसके साथ हम लाएंगे कहां पर, ये भाग में आएगा। तो देखो यहां पर मैं इसके सीधे भाग में लिख दूंगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 ऋण 1 हो जाएगा बराबर के बाद क्या सर, ये है एक से वर्गमूल 3, एक से वर्गमूल 3, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर है। अब देखो तो एक से वर्गमूल 3 बराबर, अब हम क्या करेंगे, हर का करेंगे परिमेयीकरण। क्या करेंगे सर, हर का करेंगे परिमेयीकरण। तो इस वाले पक्ष का मैं हर का परिमेयीकरण करने जा रहा हूं। देखो हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो गुणा का पहले चिन्ह लगाया, फिर इसी को एक बार और लिखेंगे, बस चिन्ह को बदल देंगे, बीच वाले का चिन्ह बदल देंगे, तो ऋण का हो जाएगा धन में, और यही एक बार नीचे में भी लिखा जाएगा वर्गमूल 3 धन लिखा जाएगा सर, ये एक लिखा जाएगा, बिल्कुल यहां तक की भी अच्छे से कहानी क्लियर सर। फिर ये हो जाएगा एक से वर्गमूल 3 बराबर, एक से वर्गमूल 3 बराबर। देखो अब क्या करेंगे, तो ऊपर का ऊपर के साथ होने वाला है गुणा, ऊपर का ऊपर के साथ होता है गुणा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं। देखो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 3, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा वर्गमूल 3 धन 1 आ चुका, फिर बटे में क्या आ जाएगा, देखो वर्गमूल 3 माइनस 1 है यहां पर वर्गमूल 3 प्लस 1 है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगने वाला, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैं यहां पर उस फॉर्मूले को भी लिख देता हूं, देखो चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a की वैल्यू है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का हम स्क्वायर करेंगे, तो वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ करेंगे सर, तो हमें ये मिलेगा 3, क्या मिलेगा सर 3, बिल्कुल मिलने वाला, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू हम लेंगे 1 को, तो माइनस करेंगे b का वर्ग, तो b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 ही मिलेगा, बिल्कुल 1 मिल चुका, तो ये हमें मिल जाएगा एक सौ वर्गमूल 3 बराबर, ये हो जाएगा 20 वर्ग, 20 के बाद क्या था, वर्गमूल 3 भी था ना, 20 वर्गमूल 3, फिर ये वर्गमूल 3 धन 1 लिखाया हुआ है, बटे में सर ये आ चुका 2, क्या आ चुका सर, ये आ चुका 2, बिल्कुल 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 और ये जाएगा 10 बार में, बिल्कुल सर। तो एक सौ वर्गमूल 3 बराबर हमें क्या मिला हुआ है, 10 वर्गमूल 3, फिर इसके साथ गुणा में क्या है, वर्गमूल 3 धन 1 है, ये वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 3 भी कैंसिल होता है, तो हमें एक से बराबर मिलता है 10, फिर ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1 मिलता है, और एक सौ और एच, एक सौ और एच दोनों क्या थे, बराबर है, तो एक सौ का मान ही क्या है, एच का मान है, एक सौ का मान ही क्या है सर, एच का मान है, इसलिए एच बराबर ये हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 धन 1 है, और हमने यहां पर एच को क्या लिया हुआ, मीनार की ऊंचाई है, अतः मीनार की ऊंचाई क्या है, अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो 10 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर है, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, बिल्कुल इस बात को हम यहां पर लिखना चाहेंगे। देखो अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर, एच बराबर हमें क्या मिला सर, ये मिला हुआ 10 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर, मीटर है, ये है हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा लंबा गया मानता हूं, मैंने इन दोनों प्रश्नों को एकदम डिटेल में बताया हुआ है, आगे के जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे ना उसको थोड़ा सा स्पीड में करने वाला है, तो ये वीडियो मैंने जानबूझकर लंबा लिया हुआ है, क्योंकि मुझे आपको एकदम बारीकी से सारी चीजों को समझाना हुआ था, तो मैंने आज आपको उन्नयन कोर्स से संबंधित 2 प्रश्नों को करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि पार्ट 2 में हम अवनमन कोर्स से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।